चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, खुशी की बात यह है कि ऑल इंडिया कोटा की सीट मैट्रिक्स में 197 एमबीबीएस की सीट्स और ऐड हो रही हैं, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर की 6, गुजरात की 3, महाराष्ट्र की 1, उत्तर प्रदेश की 1, हिमाचल प्रदेश की 1 सीट्स हैं। ये आपको कैसे ऐड करनी है, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे और महाराष्ट्र स्टेट के फर्स्ट राउंड का शेड्यूल जारी हो चुका है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीट ऐड हो रही हैं और वो कौन से स्टेट में हैं। तो जम्मू कश्मीर में राजौरी में 17 सीट्स ऐड हो रही हैं, इसके बाद डोडा में 15 सीट्स ऐड हो रही हैं, बारामूला में 15 सीट्स ऐड हो रही हैं और अनंतनाग में 15 सीट्स, कठुआ में 15 और श्रीनगर में 27 सीट्स ऐड होने के साथ साथ जम्मू कश्मीर के इन 6 कॉलेजेस में ये सीटें ऐड हो रही हैं। महाराष्ट्र का नया कॉलेज ओस्मानाबाद में 15 सीट ऐड हो रही हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर के अलावा गुजरात के 3 नए कॉलेज ऐड हो रहे हैं, पोरबंदर, मोरबी और नवसारी, इनमें 15 सीट्स ऐड हो रही हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के पुराना कॉलेज है जो इसमें सीट मैट्रिक्स में नहीं शो हो रहा था, नैन, इसमें भी 18 सीट ऐड हो रही हैं और उत्तर प्रदेश का कन्नौज भी सीट मैट्रिक्स में नहीं आ रहा था, इसमें भी 15 सीट ऐड हो चुकी हैं इसमें। तो ये टोटल 197 सीट्स ऐड हो रही हैं। तो आज दिन में 18 अक्टूबर 2022 को 11 बजे से लेकर 12 बजे तक एमसीसी का पोर्टल टेम्परेरी तौर पर क्लोज रहेगा, क्योंकि ये सीटें ऐड होंगी। तो ये दिन में 12 बजे के बाद आपको ये सीटें चॉइस फिलिंग के दौरान देखने को मिलेंगी। अब इनमें आपने चॉइस फिल कैसे करना है, क्योंकि आपने तो पहले चॉइस फिल कर दिया होगा, तो जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके चॉइस फिल किए हुए सारे कॉलेज यहां शो होंगे। राइट साइड में ये कॉलेज आपको मिलेंगे यहां पर। तो जैसे जिन कॉलेज को आप ऐड करना चाहते हैं उनके ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड में ये कॉलेज आ जाएंगी। तो सबसे पहले आप एक व्हाइट पेपर पर ये डिसाइड कर लें कि आपको ये कॉलेज कौन से सीरियल नंबर पर रखनी है, तो उसके बाद में अप करते हुए उनको उसी सीरियल नंबर पर ले जाके रख दें, यानी कि अप करके, या फिर किसी कॉलेज को डाउन करना है तो डाउन करके उस सीरियल नंबर पर रख लें। तो पहले आप डिसाइड कर लें कि कौन सी कॉलेज को कितने नंबर पर आपने रखना है, उसी पर्टिकुलर नंबर पर आप इसको अप करते हुए लेके जाकर के इस कॉलेज को रख सकते हैं, वहां इसकी च्वाइस फिल कर सकते हैं उस सीरियल पर। अब बात करें महाराष्ट्र स्टेट के शेड्यूल की, तो महाराष्ट्र स्टेट के फर्स्ट राउंड का शेड्यूल जारी हो चुका है। तो ये एक बार इसका शेड्यूल देखें, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं और इनकी लास्ट डेट 22 अक्टूबर 2022 है। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है, लेकिन फिर भी यहां पर 10% इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है जो एनआरआई की फीस पर होता है, फीस काफी ज्यादा होती है, उसमें सभी कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं, इसमें अदर स्टेट भी कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं 10% इंस्टीट्यूशनल कोटा पर। जो इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है वो सभी कोर्सेज के लिए होता है, जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस, बीटी, बीपीटीएस के लिए, और इसमें बीएसएलपी और बीपीओ बीएससी नर्सिंग के लिए भी इसी समय ये रजिस्ट्रेशन होगा। तो इसकी लास्ट डेट 22 अक्टूबर 2022 रात 12 बजे तक है। इसके बाद में पेमेंट करना है रजिस्ट्रेशन फीस का, वो 23 अक्टूबर 2022 शाम 5 बजे तक है, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो 24 अक्टूबर 2022 तक करना है। इसके बाद में इसमें जो सीट मैट्रिक्स आएगी वो 20 अक्टूबर 2022 को आ जाएगी, और इसमें जो प्रेफरेंस फिल करना है वो 21 से लेके 27 तक करना है इसमें, इन दोनों ग्रुप के लिए। अब इसमें हम बाकी आगे देखें, इसमें प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 25 को आ जाएगी और रिजल्ट इसमें 28 को डिक्लेयर हो जाएगा। इसके बाद में जो फिजिकल ज्वाइनिंग होगी वो 29 से लेके 4 नवंबर 22 शाम 5 बजे तक रहेगी। तो इस प्रकार से ये इसका शेड्यूल है। अब इसमें कैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में पेमेंट करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फिर लास्ट में आपने प्रिंट ले लेना है। तो इस प्रकार से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं महाराष्ट्र स्टेट के लिए। तो बाकी स्टेट्स के भी मैं वीडियो बना चुका हूं, और बाकी जो बाकी अदर स्टेट रह चुके हैं अभी रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, त्रिपुरा है, छत्तीसगढ़ है, तो इनके जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।